साक्षी तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर के मुख्य खबरों पर। पानीपत के न्यू बसंत नगर में पौधे की मौत से आहत दादा ने जहरीला पदार्थ निकलकर की आत्महत्या। 70 वर्षीय भजन सिंह पौधे की मौत के बाद से ही मानसिक तौर से चल रहे थे परेशान, उठाया बड़ा कदम। MDM सील 360 ऐप को फोन में डाउनलोड न करने को लेकर आशा वर्करों ने की हड़ताल। आशा वर्करों का कहना, यह ऐप फोन में डाउनलोड करने से उनकी प्राइवेसी हो जाएगी खत्म, जो कि बिल्कुल गलत। प्रदेश में अब जुलाई पर निर्भर मॉनसून, मगर अगले 48 घंटों में बारिश के आसार। समालखा फ्लाईओवर बनकर हुआ तैयार, लोगों को जाम से मिलेगी निजात। सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ने लगा अभिभावकों का रुख। निजी स्कूलों में अत्यधिक फीस लेने के चलते अभिभावक सरकारी स्कूल में करा रहे बच्चों का दाखिला। पानीपत के कलंदर चौक के दुकानदारों में हर समय बना रहता है हादसों का डर। हाई वोल्टेज की तारें कभी टूट कर गिर जाती हैं नीचे, दुकानदार बोले नहीं हो रही कोई सुनवाई। दुकानदारों ने शहरी विधायक के वादों पर उठाए सवाल। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले पानीपत लघु सचिवालय के सामने सैकड़ों कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कर्मचारियों का कहना, करोड़ों की लागत से बनाए गए कोरोना अस्पताल में नहीं कोई भी सुविधा। आइए देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। सबसे ज्यादा मार स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों पर पड़ी है। पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल भी सरकारी और निजी स्कूल ज्यादातर लॉकडाउन की वजह से बंद रहे और इस साल भी जून का महीना खत्म होने को है, लेकिन अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं। लेकिन अभी यह देखने को मिल रहा है कि बच्चों के अभिभावकों का रुख अब निजी स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ने लगा है। गवर्नमेंट मॉडर्न संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीटी रोड पानीपत की अगर जो बात करें तो यहां पर 544 बच्चे ऐसे हैं जो निजी स्कूलों में पढ़ते थे और 25 बच्चे जो अन्य सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे उनके द्वारा यहां पर दाखिला लिया गया है। इसका मुख्य कारण है कि ज्यादातर अभिभावकों का कहना है कि स्कूलों में पहले जिस तरह से पढ़ाई होती थी उस प्रक्रिया से अब पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि आजकल कोरोना के कारण ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही हैं। और अगर जो सरकारी स्कूलों की बात करें तो ऑनलाइन पढ़ाई सरकारी स्कूलों में भी होती है, निजी स्कूलों में उसी पढ़ाई के महीने के 3,000 तक देने पड़ते हैं, तो वही सरकारी स्कूल में 20 रुपए महीने में बच्चा पढ़ सकता है। तो फिर हम हजारों रुपए डेवलपमेंट चार्ज, एडमिशन फीस और अन्य खर्च के लिए निजी स्कूलों में अपने पैसे आखिर व्यर्थ क्यों करें। एक्चुअली पढ़ाई का भी ये बहुत फर्क आ रहा है कि अगर हम उनको 3,000 रुपए महीना भी फीस देते हैं तो वो पढ़ाई वही आ रही है जो हम यहाँ 20 रुपए महीना दे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई फर्क नहीं है उसका पढ़ाई का, प्राइवेट स्कूल वालों का धमकियाँ रहती हैं, ढंग से बात नहीं करते, बिहेव नहीं करते। अगर हम कोई रिक्वेस्ट भी करते हैं कि थोड़े पैसे कम हैं या ये है कर लो एडजस्टमेंट, गाली गलौज करके बाहर निकाल देते हैं। तो हम सरकारी स्कूल की पढ़ाई से संतुष्ट हैं, अब मेरे बच्चों का काम आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, घर में पढ़ रही हैं। सर एक आज एडमिशन शुरू है और 31 जुलाई तक रहेंगे, और किस तरह के बच्चे अब की बार आ रहे हैं? इस बार जो अपने स्कूल के बच्चों के अलावा प्राइवेट स्कूलों से काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। हमारे स्कूल में 544 बच्चे प्राइवेट से एडमिशन ले चुके हैं और 25 स्टूडेंट्स अदर गवर्नमेंट स्कूल से एडमिशन ले चुके हैं, तो टोटल जो है 569 स्टूडेंट्स बाहर के स्कूलों से इस स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं। तक जो दाखिले हुए हैं इनमें भी और इजाफा होगा, ये तो अभी बहुत कम है। अभी हम टीचर हमारे मेहनत करने लग गए हैं, हम घर घर जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों से बच्चों का मोह भंग है। हमारे पास टीचर भी काबिल है उनसे ज़्यादा, और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी, सुविधाएं भी, हर चीज़ प्राइवेट स्कूल से तुलना में अच्छी है। बच्चे और भी बढ़ेंगे हमारे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पोते की मौत से आहत दादा ने जहरीला पदार्थ निगल की आत्महत्या। कहते हैं बच्चे सबसे ज्यादा अपने दादा दादी के करीब होते हैं, दादा दादी भी अपने बच्चों से ज्यादा अपने पोता पोती से प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ भी कर जाने को तत्पर रहते हैं। आज ऐसा ही एक मामला पानीपत के न्यू बसंत नगर से सामने आया है, जहाँ पोते की मौत से आहत करीब 70 वर्षीय दादा ने जहर खाकर आत्महत्या ही कर ली। मृतक भजन सिंह थर्मल में रिटायर्ड कर्मचारी थे,
मृतक के बेटे ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्ष उनके 12 वर्षीय बेटे की किडनी के इलाज के दौरान मौत हो गई थी और तभी से पोते के गम में दादा मानसिक तौर से परेशान चल रहे थे। उनका इलाज भी कराया गया, कभी दवाई खाते थे तो कभी नहीं खाते थे, बाहर भी निकल चले जाते थे जहां से उन्हें लेकर आना पड़ता था। कल वह किसी काम से बाहर गए हुए थे, परिजनों ने फोन के माध्यम से उन्हें सूचित किया कि पिता ने जहर खा लिया है, जिसके बाद वह तुरंत प्रभाव से उन्हें अस्पताल लेकर गए जहां पिता ने दम तोड़ दिया। मानसिक तनाव डिप्रेशन, मेरा लड़का गुजर गया था ना पिछले साल, अच्छा, तो उनके माइंड डिस्टर्ब हो गया था उनका, उसे गम में। कैसे आपके लड़के के कैसे? 12 साल का बच्चा था, वो किडनी की बीमारी थी, अच्छा, किडनी का ट्रीटमेंट चल रहा था उसका, तो दिवाली के बाद डेथ हो गई थी पिछले साल उसकी। तब से मेंटल डिस्टर्ब बढ़ती गई इनकी, फिर दवाई भी दिलवाई, फिर दवाई खाते थे कभी नहीं खाते थे। तो फिर कैसे हुआ ये? तो फिर इनका कभी बाहर ले आते थे, इधर उधर पकड़ के ले आते थे इनको। फिलहाल मृतक को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल लाया गया है, वही मामले की गहनता से पुलिस जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। एमडीएम ऐप के विरोध में आशा वर्करों का प्रदर्शन। पूरे प्रदेश में आज आशा वर्करों द्वारा एमडीएम शील्ड 360 ऐप को फोन में डाउनलोड ना करने को लेकर हड़ताल की गई। पानीपत जिले की आशा वर्करों ने भी एकत्रित होकर ऐप का सख्त विरोध करते हुए सरकार द्वारा दिए गए मोबाइल फोन वापस लेने की मांग की है। आशा वर्करों का कहना है कि सभी के फोन में अपनी प्राइवेसी होती है, लेकिन इस ऐप को डाउनलोड करने से प्राइवेसी खत्म हो जाएगी और सरकार को उनकी निजी जानकारी भी होगी, जो कि ठीक नहीं है। उनका कहना है कि अगर सरकार इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए दबाव बनाएगी तो वह मोबाइल फोन वापस देने के लिए तैयार हैं। कोरोना के चलते फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर वह लगातार कार्यरत है, लेकिन सरकार है कि उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही, अपनी जान पर खेलकर लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक कर रही हैं और ना ही सरकार पक्के कर्मचारी का दर्जा दे रही है। अभी हमें सरकार ने फोन दिए हैं, अभी हमारे पर दबाव बनाया जा रहा है कि एमडीएम ऐप डाउनलोड करने के बारे में, लेकिन हमारी आशा वर्कर इसका विरोध कर रही हैं। उसमें सभी के अपने अपने फोन में अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, लेकिन एमडीएम ऐप डाउनलोड करने से हमारे फोनों की प्राइवेसी जा सकती है। और एक आशा वर्कर के पास इतना न्यूनतम वेतन नहीं है कि वो दो दो फोन यूज करे, एक तो सरकार का फोन यूज करे काम करने के लिए और एक अपना पर्सनल फोन यूज करे। और आज जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं, जो हड़ताल आज पूरे हरियाणा के अंदर चली हुई है, एक एमडी ऐप डाउनलोड करने के लिए हमारी हड़ताल है, जो हम नहीं करेंगे इस एमडी ऐप डाउनलोड को, क्योंकि सरकार के पास हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होगी इस एमडी ऐप से, तो हम सरकार से आज अपने फ़ोन वापस करने जा रहे हैं, जो सरकार ने हमारे से फ़ोन दिए थे, हम इस एमडी ऐप को डाउनलोड नहीं करेंगे। और हम कहते हैं सरकार से, ये भी नहीं कहते भी हम ऑनलाइन काम नहीं करेंगे, अगर सरकार ऑनलाइन काम करवाना चाहती है तो हम मना भी नहीं करते, हमारी 24,000 रुपये तनख्वाह करे सरकार और पक्का कर्मचारी का दर्जा दे, हमें आप ऐप डाउनलोड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोरोना की जो महामारी है, इसमें फ्रंटलाइन तौर पर आशा वर्करों ने काम किया और वो काम किया है कि सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि आज हमने इतने टीके लगवा दिए, जैसे 21 जून की बात ले लो आप, योगा दिवस पे सरकार ने पूरा काम किया कि हमने इतने टीके लगाए, तो वो किसकी मेहनत पे लगाए? सरकार एक बार ये तो बता दे कि अगर आशा वर्कर लोगों को बाहर निकाल के नहीं लाती तो यह जो एक एक दो दो लाख रुपये वो टीके की बात सरकार कर रही है, क्या वो पूरा हो पाता? तो फ्रंटलाइन वर्करों को आशा तो समझे सरकार, अभी कोरोना की महामारी के दौरान जो आशा मरी है उनका कोरोना पॉजिटिव ना बता के उनको जो देना था, जो बीमे उनको देने थे, उन्होंने सरकार ने उससे भी मुंह मोड़ लिया कि ये कोरोना से नहीं मरी है, इसलिए उनके बच्चों का उनके घर का कोई सरकार ध्यान नहीं रख रही। हमने जोखिम भत्ते की मांग की थी कि कोरोना काल में आशा वर्करों का जोखिम भत्ता दिया जाए, ताकि अगर वो बीमार आ रही बीमारी उनका कुछ हो जाए तो सरकार वो अपना इलाज करा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। कलंदर चौक के दुकानदारों में हर समय बना रहता है हादसा होने का डर, दुकानदार बोले लेकिन नहीं हो रही कोई सुनवाई। दरअसल पानीपत के कलंदर चौक के दुकानदार हादसों के डर में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि यहां पर हाई वोल्टेज की तारें कब टूटकर नीचे गिर जाए कुछ पता नहीं चलता और इन तारों की वजह से यहां पर कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से यह समस्या जो की त्यों बनी हुई है, जिससे बाजार में दहशत का माहौल बना रहता है। परेशान दुकानदारों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर विरोध जताया,
दुकानदारों के अनुसार लगातार यहां बिजली संबंधी हादसे होते रहते हैं, जिनसे छुटकारा पाने के लिए वह कई बार निगम के अधिकारियों से जर्जर तारों को बदलवाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। शहरी विधायक जब कलंदर चौक आए थे तो उन्होंने पूरे क्षेत्र का जायजा लिया था और कहा था कि उनका सबसे पहला कार्य इन तारों को यहां से हटवाना होगा, लेकिन वह वायदे सिर्फ वायदे ही बनकर रह गए। बाजार की जो ये तारे मेन तारे हैं ये बहुत खराब हो चुकी है, इसके बारे में हम काफी बार कंप्लेंट कर चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। 3-4 बार ये हादसा होते होते टला है। आज एक तार मेन तार टूट के 3 लड़कियों के ऊपर गिरने को थी, बस भगवान ने पता नहीं कैसे बचाया उन्हें। बाजार में बिजली की तारों को लेकर बहुत समस्या है, तारे आज भी गिर गई है, 3 लड़कियां मरते मरते बची है आज भी। ये जो तारों की तो हमारी समस्या है, काफी जो ये शहर है एक प्राचीन शहर है, कलंदर चौक एरिया लगता है, पुराना मेन बाजार है, तारे मेरे ख्याल में 60-70 साल पुरानी है। माननीय विधायक जी से हमने कई बार मिल चुके हैं और जो पहली बार यहाँ पे आए थे विधायक जी ने कहा था कि मेरा ये पहला कार्य होगा, इन तारों का पूरा निरीक्षण किया था विधायक जी ने और कहा था ये मेरा पहला कार्य होगा। और जब हम सब ये बाजार वाले खड़े हैं, 3-4 बाजारों का एक बीच में ये मुहाना बनता है, 3 एसोसिएशन लगती हैं, हमें तो ये आखिरी भी नजर नहीं आ रहा कि आखिरी भी हो जाए। पहला काम तो होना बहुत बहुत दूर की बात है, ये काम मुझे आखिरी भी नहीं लगता कि विधायक जी हमारा काम करा पाएंगे। दुकानदारों का कहना है कि विभाग व नेताओं को समस्या से कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन सुनने वाला ही कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदेश भर में आज कर्मचारी प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं पानीपत में लघु सचिवालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे सर्व कर्मचारी संघ के सैकड़ों कर्मचारियों के द्वारा सरकार के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर की गई और जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में सरकार और स्वास्थ्य विभाग खेल खेल रहे हैं, क्योंकि ना तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं, ना ही कोरोना वायरस बीमारी से लड़ने के लिए किसी प्रकार की कोई अन्य सुविधा। उनकी मांग है कि कोरोना वायरस के तौर पर जो कर्मचारी लगातार सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वह सफाई कर्मचारी हो, पुलिस कर्मी हो या स्वास्थ्य कर्मचारी, सभी को हर प्रकार की सुविधा दी जाए और कोरोना के नाम पर जो आमजन को लूटा जा रहा है उसे बंद किया जाए और सरकारी क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान की जाए। कोरोना के नाम पर अस्पताल खोले गए लेकिन उनमें किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि वैक्सीन के नाम पर भी पहले व्यापार शुरू कर दिया गया लेकिन देशवासियों के लिए टीकाकरण में तेजी नहीं लाई जा रही। वहीं पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ और डॉक्टर की भी कमी को लेकर बात कही और साथ साथ सरकार से मांग की गई है कि जल्द से जल्द खाली पड़े पदों को भरा जाए। आज सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे पूरे हरियाणा के अंदर आज ये स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर जो आम आदमी की लूट है, इसके खिलाफ सर्व कर्मचारी संघ का 3 घंटे का धरना है। धरने के बाद हम मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। आज हम मांग कर रहे हैं कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, फायर का कर्मचारी है, स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी है, टूरिज्म का कर्मचारी है, पुलिस वाला है, उन कर्मचारियों को सुविधाएं दी जाए और कोरोना के नाम पर जो सरकारी लूट है, प्राइवेट क्षेत्र जो लूटा जा रहा है, उस लूट को बंद करके सरकारी क्षेत्र में सुविधा दीजिए। आज हमारी मुख्य मांग ये है, यही हमारा ज्ञापन दे। आज ये जो धरना है सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर सारे हरियाणा में DC के कार्यालय के आगे है। इसमें मुख्य मांग ये है, जो ये स्वास्थ्य शिक्षा ये इसका मौलिक अधिकार होना चाहिए, हम तो कह रहे रोजगार भी ऐसे इसमें शामिल होना चाहिए, एक सुनिश्चित होना चाहिए। जो टीकाकरण की धीमी गति से चल रहा है, हर एक को वैक्सीन ये लगनी चाहिए प्रॉपर। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।